छोटे बच्चे रहेंगे, एजेड पीपल रहेंगे, लाइक सीनियर सिटीजन होंगे, उनके लिए ये बहुत ईजी एक्सेसिबल वाटरफॉल है। तो फॉर ट्रेकर्स इट इज़ अ बिग डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि ये वाटरफॉल जाके बीच में जंप जरूर करना, ओके बहुत प्यारा है और थोड़ा सा क्राउडेड है। अगर स्लिपरी एग्रेशन करो जितना जल्दी आगे टोर करके आ जाओ उतना बेटर है, नहीं तो फिर अपन तो फंस जाएंगे यहाँ पे आज। Hi guys, welcome back to my channel. This is Akshay. I hope you guys are doing good. So, जैसे मैंने promise किया था, मैं promise रखा है। तो अब तक हमने 3 वीडियो अपलोड किए, 2 लोनावला के, 1 तामिनी घाट का। सो आज मैं वापस जा रहा हूँ तामिनी घाट, बट तामिनी घाट नहीं जा रहा हूँ, मुळशी जा रहा हूँ। तो मुळशी में एक वाटरफॉल है जिसका नाम है पर्से वाटरफॉल, बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। तो बहुत लोग उस वाटरफॉल के बीच वाले सेक्शन तक जाते हैं, मैं कोशिश करूँगा ऊपर वाले सेक्शन में जाने की, हम क्योंकि हम इससे पहले जा चुके हैं वहाँ पे। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो है दोपहर के 1 बजे निकलने का रीज़न ये है कि कुछ व्लॉग में एडिट कर रहा था, उसके वजह से मैं निकलना था, और मेरी डॉक्टर विजिट थी वो हो गई, तो अब मैं जा रहा हूँ। तो 1 बजे जाके मेरा टाइम प्लान है कि 6-7 बजे तक वापस आ जाऊँ। तो होपफुली इस टाइम मैं ये कवर करूँगा, क्योंकि लाइक जैसे मुळशी स्टार्ट होता है ये वाटरफॉल सबसे पहले लगता है, जाते हैं बढ़ते डायरेक्टली मिलते हैं वाटरफॉल पे, बीच में कुछ अच्छा दिखता है तो वो शूट करेंगे, नहीं तो डायरेक्टली वाटरफॉल में मिलेंगे। शॉर्ट सिंपल क्यूट व्लॉग बनाएंगे। जो चैनल में न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत सारे व्लॉग्स आ रहे हैं। अभी मुळशी डैम का वॉल जो है उसके थोड़ा आगे पहुँचा हूँ, एंड अपना आज का राइड है विद माय राम प्यारी। सो ये देखिए, सो लास्ट वीक जब हम तामिनी आए थे तब मैंने एक प्लेस दिखाई थी, मतलब जस्ट गाड़ी से दिखाई थी, रुके नहीं थे हम यहाँ पे, तो वो प्लेस मैं दिखा रहा हूँ। सो दिस इज़ होटल 4 सीजन सेल्फी पॉइंट। तो यहाँ पर है ना जो व्यू आता है, जैसे कि अभी पैडी फार्म्स आएंगे तो उसके बाद ना यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त व्यू आता है। ये व्यू स्पेशली मतलब अगर आपको फ़ोटो खींचना, बहुत ही प्यारे फ़ोटो आते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए सारे मतलब ये जो फार्म्स है, राइस फार्म्स, तो वहाँ पे कुछ लोग अभी खेत मतलब वो जो प्लांट्स होते हैं उनको इकट्ठा करके लेते हैं, फिर बाद में 1-10 मिनट बाद वो उसके अंदर लगाए जाते हैं। तो ये पूरा व्यू आता है, और जब ये पूरा लश ग्रीन होता है ना बहुत खूबसूरत लगता है ये वाला पार्ट। सो यहाँ पर रुकने का और एक रीज़न ये है कि ये जो आप सामने देख रहे हो ये मुळशी डैम का वॉल है, तो उसके यहाँ पे मैं हमेशा रुकता हूँ, मतलब जब भी मैं जाता हूँ सोलो ट्रिप पे मैं यहाँ पे रुकता हूँ। फैमिली होती तभी भी रुकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप फोटो खींचोगे चढ़िया सा होगा, काफ़ी अच्छा फोटो आता है, और इस जगह तो मतलब फोटो का तो जवाब ही नहीं है। अभी जो टाइम है वो है 3:41, 3:41। सो मैंने सोचा कि यहाँ पे चाय पी लेते हैं, काफ़ी अच्छा कैफ़े है यहाँ पे होटल, जहाँ पे एग्जैक्टली डैम का व्यू आता है, तो एग्जैक्टली वाटरफॉल के सामने ही यहाँ पे बैठ के पहले अभी नॉर्मल चाय पीऊँगा, फिर मैं ऊपर जाऊँगा, क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा है वो है 3:41। तो और 5-10 मिनट बाद निकलूँगा, 1-1.5 घंटे में ऊपर पहुँचे, वापस अंधेरे से पहले नीचे आना है। ये आत्मंथन का गेट है, उसके एग्जैक्टली सामने ये कैफ़े है, क्या नाम है, वाटर पार्क। सो यहाँ पे मैंने अभी चाय पी, और यहाँ से एग्जैक्टली सामने ही बस है पर्से वाटरफॉल, तो उसके लिए हम जाएंगे अभी, और वहाँ से फिर ऊपर जाएंगे। इस वाटरफॉल में एक बात अच्छी है कि यहाँ पे बहुत लोग 2-व्हीलर भी पार्क करते हैं, 4-व्हीलर भी पार्क करते हैं, और उधर जो रोड जाता है उस तरफ तो बहुत ज़्यादा पार्किंग है 2-व्हीलर की। वाटरफॉल पर हम लोग पहुँच गए, रोड पर ही है वाटरफॉल, तो यहाँ पर है ना बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि ये देखो इसको क्या बोलते, कौन भेड़ है, बहुत सारी चीज़ें, बटाटा भाजी, बहुत सारी चीज़ें, अंडा भाजी है, तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो इनके साथ आते हो तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, प्लस स्वीट कॉर्न भी है कि नहीं। ये है ना वाटरफॉल के यहाँ पे भी बहुत सारे लोग खेलते हैं, पर एक चीज़ है कि उस तरफ वाला जो रोड है वो बंद है, और यहाँ पे है ना ये नया रेस्टोरेंट खुला है इनका, मतलब अगर आपका रूम बुक हो तो ही आपको अलाउड है, और या फिर खाने का पूछ सकते हो, मैं पूछूंगा, अभी वॉचमैन तो मना कर रहा था, बट जाके वापस पूछूंगा कि यहाँ पे खाना अलाउड है नहीं है, कैसे क्या है। तो अगर यहाँ पे खाना अलाउड है तो ये व्यू बहुत सही है, क्योंकि उधर से वाटरफॉल का भी व्यू आएगा। तो बेस्ट पार्ट ये है ना इस वाटरफॉल का कि ये हाथ से आप रोड पे गाड़ी लगाओ, ऐसा रोड है चलने के लिए, मतलब ये जो रोड दिख रहा हो आप, ऐसे रोड से आपको चलते आना है, और बस ऐसे यहाँ पे पानी में बैठ के चल सकते हो। यहाँ पे सामने थोड़ा सा और आगे गाओगे तो वाटरफॉल है, तो क्वाइट ईजी वाटरफॉल, मतलब छोटे बच्चे रहेंगे, एजेड पीपल रहेंगे, लाइक सीनियर सिटीजन होंगे, उनके लिए ये बहुत ईजी एक्सेसिबल वाटरफॉल है। और इधर से ये कैफे का व्यू आ रहा है, हम
पहुंच चुका है फर्स्ट है वाटरफॉल पे, बट एक्चुअल है ना ये वाटरफॉल बस ये स्टार्टिंग वाला है, जो एंड पार्ट आता है ना वो वाला है। इसके ऊपर अभी एसी रोड से जाना पड़ेगा, पर पानी का फ्लो बहुत तेज़ है जिसकी वजह से मुझे रुकना पड़ेगा, थोड़ी देर वेट करूंगा। अगर पानी का फ्लो कम होता है तो ऊपर जाके उधर से कवर करेंगे, क्योंकि पीछे वाला पार्ट जो है वो बंद कर चुका है अभी, इट्स नॉट अलाउड फॉर टूरिस्ट, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो रोड। आप जो फेंसिंग देख रहे हो ऊपर, तो ऊपर से आप जा सकते थे पहले, कि ऊपर से वो वाला रोड से निकल के उस तरफ जाओ और फिर वहाँ से पहुँच जाओ टूवर्ड्स द मेन वाटरफॉल हेड, जो कि एकदम ऊपर है। बट यहाँ पे अभी फिलहाल यहाँ पे अभी चिल कर सकते हैं, तो मैं वेट करूँगा थोड़ी देर, अगर पानी कम होता है तो मैं ऊपर जाऊँगा, नहीं तो फिर यही करूँगा। फैमिलीज है, बट ऊपर वाला जो वाटरफॉल है वहाँ पे जाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये फेंसिंग लगी है। तो मैं वापस जाके एक बार चेक करता हूँ कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी से अलाउ करते हैं या नहीं। तो फॉर ट्रेकर्स इट इज़ अ बिग डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि ये वाटरफॉल जो कि बहुत खूबसूरत है, इसकी अभी तो मेन खूबी है ऊपर वाली, तो यहाँ पे एक दो तीन और वो जो मेन पार्ट दिख रहा है आपको इस फिंगर टिप के यहाँ पे, वहाँ पे बहुत बढ़िया वाटरफॉल होता है, तो वहाँ पे जाना बंद हो जाएगा। कृष्णा जी मिले जो कि कोथरूड से है, तो कैसे लग रहा है ये पॉल से वाटरफॉल? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिन बाद आया हूँ मैं, बहुत दिन बाद बहुत अच्छा लग रहा है। अरे गांव से आया हूँ मैं, ओके, मुझे बहुत एंजॉय फील हो रहा है, लाइक दो साल बाद मॉनसून में एंजॉय कर रहा हूँ। थोड़ी सी मेहनत ले ली मैंने, इधर उधर जाके थोड़ा सा रास्ता ढूंढ लिया और मैं आ गया ऊपर। अभी जाना है वाटरफॉल तक, बट अभी जो टाइम हो रहा है वो है 4:45, तो हाफ वे जाऊँगा या फुल वे वो डिसाइड करूँगा, बट जाऊँगा ज़रूर। ऑलमोस्ट लाइक निकला वो हाफ वे भी नहीं, 20% हुआ, 20% हुआ ना मेरा, 80 हो गया। अच्छा 80% हो गया, तो बहुत जल्दी पहुँच गया। सो अजय भाई मिले, सो आपका हो गया ट्रैक? हाँ हो गया। हाउ इज इट? Awesome. बहुत अच्छा है, वहाँ जाके बीच में जंप जरूर करना, ओके, बहुत प्यारा है और थोड़ा सा क्राउडेड है, क्राउडेड है, बहुत अच्छा, ओके, नाइस टू मीट यू ब्रो। ऊपर आने के बाद फर्स्ट स्ट्रीम जो क्रॉस कर रहा हूँ वो ये छोटी वाली स्ट्रीम है, बट ये व्यू देखिए क्या व्यू है, जबरदस्त, मस्त मजा आएगा यहाँ पे। अरे यार यहाँ पे क्या फोटो आएगी, ये लॉस होता है अगर आप सोलो ट्रैवलर हो गए ना, ये सारी चीज़ें आप मिस करते हो यार, फोटो यहाँ पे तो बहुत बढ़िया आएगी। और जाना है आगे, 20% है बट टाइम लगेगा उसको, देखते कितना टाइम लगता है। तो सेकंड स्ट्रीम क्रॉसिंग, और उसको क्रॉस कहाँ से करें अब? तो अभी क्रॉस कर रहा हूँ, देख रहे हो बारिश कितनी तेज हो गई है, तो मुझे जल्दी जाके वापस आना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है रोड बंद करो, जितना जल्दी आगे कवर करके आ जाओ उतना बेटर है, नहीं तो फिर अपन तो फंस जाएंगे यहाँ पे। आज तक है ना बहुत सारे वाटरफॉल कवर करे, बट पल्से वाटरफॉल पे ये जो पत्थर है सारे, ये देखो कितने स्लिपरी है, मतलब पैर फिसल रहा है इधर से, ये शूज भी निकल गए। अभी हम लोग पहुँचे मिड पॉइंट पे, यहाँ पे छोटा सा पॉइंट है, जैसे देवकुंड का पॉइंट है वो बहुत बड़ा पॉइंट है, यहाँ पे छोटा सा पॉइंट है, बट यहाँ पे आप पहुँच सकते हो। तो नीचे से आप स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे पहुँचने आपको लगते हैं 20 मिनट हार्डली, बट जो हम लास्ट टाइम ऊपर वाला जो सेक्शन जो हमने कवर किया था तो उसको लगता है अराउंड 1 hour to 2 hours, डिपेंडिंग आप कैसे ट्रैक कर लेते हो, बट आज मैं यहीं से कहूँगा, कोशिश करूँगा ऊपर जा पाऊँ तो ऊपर भी जाऊँगा, नहीं तो यहीं से कवर करके वापस निकल जाऊँगा। मैक्सिमम डेट जो है वो अराउंड 3 to 4.5 feet है, तो देखते हैं आपको ऊपर जाना था, पर ऊपर वाला रोड अभी बंद हो गया क्योंकि ऑलमोस्ट 5:30 हो रहा है, तो ऊपर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये वाला दौर करिए, बट आई गारंटी हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगा तो डेफिनेटली यहाँ से ऊपर वाला रोड बनूँगा ही बनूँगा, तो मैं जाता हूँ। जो कि पुणे से आए हैं शुभम और साहिल, तो उन्होंने मुझे हेल्प किया है फोटो क्लिक करने में, जो वीडियो अभी आपने देखा उन्होंने क्लिक किया है, थैंक्स अ लॉट गाइस। तो आप रेगुलरली ट्रैवल करते हो? रेगुलर
बहुत मजा आता है। तो ये वाटरफॉल कैसा लगा? ये वाटरफॉल मैं एक्चुअली 4 साल से आ रहा हूँ, मतलब मैं हर साल यहाँ पे एक ना एक बार विजिट करता हूँ। ओके, ये ज़्यादा डेंजरस भी नहीं है और बहुत बहुत गाइस आज से देखा है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोग होते हैं जो इस टाइम पर आते हैं। अराउंड 5:30 यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं। भाई के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू लॉर्ड भाई। वो ऊपर वाला वाटरफॉल क्या खूबसूरत लग रहा है, मतलब अभी पानी का फ्लो बढ़ गया ना उसका, तो और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और ये स्ट्रीम इधर से, तो अभी यहाँ से मुझे उस तरफ क्रॉस करना है, तो हमारा रिटर्न जर्नी स्टार्ट हो गया। वाटरफॉल दिख रहा है आपको, बहुत खूबसूरत दिख रहा है, मतलब यहाँ पे ना ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे स्पॉट हैं, मतलब इट्स लाइक आई कैचिंग स्पॉट्स। तो जब मैं आया था तब वाटरफॉल कम था, अभी बढ़ गया है। एंड वो आप कैसे जान सकते हो, तो कलर ऑफ द वाटर वो चेंज हो जाता है, तो ब्राउनिश हो गया। फाइनली हम नीचे आ गए, धूप सर मिले थे ऊपर, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है नीचे आने में। इट्स माय प्लेजर यार, अपन दोनों को काम करना है, काम कर रहे हैं साइड में। उसका रीजन ये है कि सर का यूट्यूब चैनल है ट्रैप फूडी। ट्रैप फूडी ना? यस, ट्रैप फूडी। तो सर का चैनल का लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप उनके चैनल को फॉलो कर सकते हो। और सर आए थे मैम के साथ, सो क्वाइट गुड, फैमिली टूर कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है यार। थैंक यू वेरी मच, आपने अपने चैनल पे मुझे थोड़ा सपोर्ट किया, थैंक्स अ लॉट सर। एंड अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा प्लीज कमेंट करना, लाइक करना, एंड सर के चैनल को जाके जरूर सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।